नमस्कार दोस्तों, आज की इस CCTNS वीडियो में हम अपने सब्सक्राइबर की एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि उनका कोई व्हीकल है जो NCRB रिपोर्ट में उनका व्हीकल अभी जो है ना, वो उसके ऊपर FIR रजिस्टर्ड थी, जो FIR 4 साल पहले थी जिसका सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन वो NCRB रिपोर्ट में अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसका CCTNS के ऊपर हम कैसे इसका प्रोसेस करेंगे, उसके लिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो थाना मोरर है उसकी आईडी को ओपन कर लेना है। इन्वेस्टिगेशन में जाते हुए मालखाना को ओपन करना है। जैसे हम मालखाना के टैब के ऊपर जाएंगे, हमें यहाँ पर एक्सेप्टिंग इन मालखाना दिखाई देगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने यहाँ पे FIR नंबर को डाला है। और हम जैसे सीजिंग नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे ये टैब ओपन होगा एक्सेप्टिंग इन मालखाना का, और हम यहाँ पे एक्सेप्ट इसको क्लियर कर लेंगे। एक्सेप्ट करके हम इसको ओके कर लेते हैं। अब हमारे पास जो स्टेटस था वो हमारे यहाँ पे अपलोडेड हो गया है, और रजिस्टर मालखाना रजिस्टर की एंट्री नंबर 12 में सबमिट हो गई है। अब हमें आगे क्या करना है, इसको डिस्पोज करना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से हम इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे, मालखाना को क्लिक करेंगे, इसके बाद हम रिलीज करेंगे इस प्रॉपर्टी को मालखाना रजिस्टर से। तो हम यहाँ पे फिर से FIR नंबर को डालते हैं और हम सर्च करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे FIR नंबर डालते हैं, हमारे पास ये जो FIR नंबर है इसमें हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें जो सीजिंग नंबर है इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया है। जैसे हम सीजिंग नंबर को क्लिक किया है, हमारे यहाँ पे टैब ओपन हुआ है, इसमें सीजिंग जो नंबर है वो 125/2024 है, और ये हमारा व्हीकल है। हमने जैसे व्हीकल के ऊपर क्लिक किया है तो हमारे यहाँ पे सीज दिखा रहा है, एक्यूज से दिखा रहा है, एस्टिमेटेड वैल्यू 0 दिखा रहा है। IO का नेम हम यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे IO का नेम फिल कर दिया है। इसके बाद ऑर्डर अथॉरिटी का करेंगे, तो हमें ऑर्डर अथॉरिटी कोर्ट से हुई है, और यहाँ पे हम उसके कोर्ट के नंबर डालेंगे। अब ऑर्डर की डेट का मेंशन करेंगे, हमने यहाँ पे डेट डाल दिया है। रिलीज टाइप में हम डालेंगे, परमानेंट है टेम्परेरी है, यदि टेम्परेरी है तो हम टेम्परेरी डालेंगे, परमानेंट है तो परमानेंट। हमारे यहाँ पे परमानेंट व्हीकल है तो हम परमानेंट डाल रहे हैं उसको। अब हम परमानेंट टाइप को डालेंगे, यहाँ पर हमें ऑक्शन या सोल्ड किया है तो उसको क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें डिस्पोज किया है कोर्ट ने तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिस्ट्रॉय किया है तो उसके ऊपर करेंगे, हैंड ओवर बाई ओनर किया है तो हम इसके ऊपर क्लिकेंगे, या किसी अन्य थाने में ट्रांसफ़र हुई तो उसको। अब जैसे कि कमेंट में पूछा था कि उनका व्हीकल था तो ओनर को उन्होंने दे तो दिया है, लेकिन यहाँ पे इसको यहाँ से आउट नहीं किया है, तो हम हैंड ओवर बाई राइटफुल ओनर जो है इसका, वहाँ इसका नेम डालेंगे। यहाँ पे हमने उसका नेम डाल दिया है। इसके बाद हम उसका फादर नेम डालेंगे, यहाँ पे हम उसका फादर नेम डाल देते हैं। और ये हमारा पूछ रहा है टाइप ऑफ हैंडलिंग, ये परमानेंट है या बॉन्ड से छोड़ लगा है, परमानेंट है तो परमानेंट, अंडर बॉन्ड है तो अंडर बॉन्ड, और यहाँ पे हम उसकी सिटी का नाम डालेंगे, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से ये जो प्रॉपर्टी की जो एंट्री थी ये हमारे रजिस्टर से आउट हो जाएगी, और जो NCRB की जो रिपोर्ट है, जो NCRB की जो रिपोर्ट है इसके अंदर ये पेंडिंग नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार से हम किसी भी थाने में जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं या उस एंट्री को हम ख़त्म करते हैं। इससे CCTNS पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।